गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया. सो टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ट्रांसडक्शन होता क्या है, डेफिनेशन, इसका मैकेनिज्म क्या है और ट्रांसडक्शन के टाइप्स क्या हैं. टू टाइप्स हैं, दो तरह की होती है ट्रांसडक्शन, एक है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, दूसरी है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. देन इट्स इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है. अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, सो देयर वर टू साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन. सो द साइंटिस्ट वर जोशुआ लीडरबर्ग एंड नॉर्टन जिंडर. 1952 इन्होंने सबसे पहले इस फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया के केस में. सो ये जो फोटोग्राफ है, इट इज़ ऑफ जोशुआ लीडरबर्ग एंड दिस इज ऑफ नॉर्टन जिंडर. सो दीज वर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने इस फिनोमेनन को डिस्कवर किया. सो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. ये जो फिनोमेनन था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में. ट्रांसडक्शन होता क्या है? ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस, और वायरस भी बैक्टीरियोफेज. सो जो ट्रांसफ़र है जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन. सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच बैक्टीरियल डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, वायरस की हेल्प से. जो सभी फेजेस हैं, सभी वायरसेस हैं, दे कैन ट्रांसड्यूस, सभी बैक्टीरियोफेज ट्रांसड्यूस हो सकते हैं, मीन्स ट्रांसडक्शन में हेल्प कर सकते हैं. बट सभी के सभी जो बैक्टीरिया हैं, के सेल्स हैं, दे आर नॉट ट्रांसड्यूसिबल, वो ट्रांसडक्शन शो नहीं करते हैं सभी बैक्टीरियल से. देन नेक्स्ट इज मैकेनिज्म. मैकेनिज्म सबसे पहले बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे वायरस की. सो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बहुत सारे बैक्टीरिया के टाइप्स को, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता है होस्ट के सेल के अंदर. ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा था. टाइप्स की बात करें तो बैक्टीरियोफेज दो तरह के होते हैं, एक होता है वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज, दूसरा है टेम्परेट बैक्टीरियोफेज. जो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज है वो शो करता है लिटिक टाइप ऑफ साइकिल. हमने ये डिस्कस कर लिया डिटेल में. लिटिक मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के सेल के अंदर जाएगा बैक्टीरियोफेज का, उसके बाद वो होस्ट के सेल के डीएनए को कंट्रोल करेगा, और इसके बाद कुछ एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर्म करेगा जिससे कि जो होस्ट का डीएनए है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा. देन इट विल कंट्रोल दैट मशीनरी एंड सिंथेसाइज वायरल पार्टिकल्स, प्रोटीन पार्टिकल्स और जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करेगा एंड फॉर्म्स नंबर ऑफ दीज वायरल पार्टिकल, जिससे कि फाइनली जो बैक्टीरियल सेल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फ्रेश जो न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से रिलीज हो जाते हैं. सो फर्स्ट टाइप का ये है वायरुलेंट टाइप बैक्टीरियोफेज. इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज. वायरुलेंस का मतलब होता है एग्रेसिव, जो कि पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉजिंग होता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है, एंड दैट फाइनली लीड्स टू एब्रेशन इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड लीड्स टू डेथ. And it is followed by lytic cycle. इसमें lytic cycle होता है, means जो host cell है वो breakdown हो जाता है. Then second is temperate type of bacteriophage. ये show करता है lysogenic life cycle. इसमें क्या होता है, जो phage का DNA है that gets incorporated with bacterial DNA. Bacteria के DNA के साथ incorporate हो जाता है और इसी के साथ ही replicate होता है. जब bacteria का DNA replicate होगा उसी के साथ phage का जो DNA है वो भी replicate होगा. After some time, कई बार क्या होता है, देर आर सम स्टिमुलेंट्स इन एनवायरनमेंट, जैसे कि रेडिएशन है, कुछ केमिकल्स है, जब बैक्टीरियल सेल उनके कॉन्टैक्ट में आता है, सो इट अगेन इट आल्सो फॉलोज लिटिक लाइफ साइकिल, लिटिक साइकिल. सो जिससे कि वायरुलेंस होती है और जो सेल है ब्रेक डाउन हो जाता है बैक्टीरिया का, उससे रिलीज हो जाएंगे बैक्टीरियोफेज के फ्रेश पार्टिकल,
इसका एग्जांपल है हमारे पास टेम्परेट बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल है लैम्डा फेज। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसडक्शन दो तरह की है, एक होती है जनरलाइज ट्रांसडक्शन, दूसरी है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है उसको नॉन स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन भी कहा जाता है, और जो रिस्ट्रिक्टेड और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन है इसको रिस्ट्रिक्टेड को स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नॉन स्पेशलाइज, इट मीन्स इसमें जो जो बैक्टीरिया का जो जीनोम है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इंटू स्मॉल पीसेस, और कोई भी पीस वायरस के पार्टिकल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकता है, और वो जब वो वायरस का पार्टिकल यहाँ से रिलीज होगा दैट विल कैरी इट टू द फ्रेश बैक्टीरियल सेल और वहाँ पे ले जाएगा इस बैक्टीरिया के फ्रैगमेंट को। सो एनी फ्रैगमेंट ऑफ दिस बैक्टीरियल जीनोम को वो कैरी कर सकता है। सो दैट्स वाई देर इज़ नो स्पेसिफिसिटी फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक। वायर इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, इसमें कोई एक पर्टिकुलर पीस बैक्टीरिया के जीनोम का ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में थ्रू द एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट जनरलाइज और नॉन स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। इफ ऑल फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए हैव चांस टू एंटर द ट्रांसड्यूसिंग फेज, इट मीन्स कोई भी फ्रेगमेंट जो बैक्टीरिया के जीनोम है इसके कोई भी फ्रेगमेंट के पास चांस है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होने का थ्रू दिस एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेज, सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज जनरलाइज ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी फ्रेगमेंट एक्सचेंज हो सकता है, कोई भी बैक्टीरियल जीन एक्सचेंज हो सकती है। इसमें जो वायरस है, वायरस का डीएनए एंटर होता है होस्ट के सेल के अंदर, जैसा हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज के रिप्रोडक्शन के बारे में लिटिक साइकिल में, जो बैक्टीरियोफेज की मल्टीप्लिकेशन है, और ये हाईजैक करता है बैक्टीरिया के मशीनरी को। जो वायरस का डीएनए है दैट हाईजैक्स द मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज इट्स ऑन कंपोनेंट, वायरस के अपने कंपोनेंट बनाने में इसको यूज़ करता है। जो वायरल एंजाइम्स हैं दे विल ब्रेक डाउन द होस्ट डीएनए, ये होस्ट के डीएनए को स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे दिस वन। समटाइम्स एनी फ्रेगमेंट ऑफ होस्ट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड विद वायरस, कई बार क्या होता है जो ये होस्ट का डीएनए है इसका छोटा सा फ्रेगमेंट वायरस के अंदर जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर चला जाता है। सो सच बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स द न्यू सेल, जो वैसे वायरसेस हैं जिनके अंदर इस बैक्टीरिया के जीनोम का पीस है वो इन्फेक्ट करते हैं किसी फ्रेश बैक्टीरिया को एंड ट्रांसफर दैट दिस डोनर डीएनए इनटू द न्यू बैक्टीरिया। सो इट डज नॉट रेप्लिकेट इनसाइड द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, बट ये सीधा ही डायरेक्ट वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होगा रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर, बट इट विल अंडरगो रिकॉम्बिनेशन विद रेसिपिएंट सेल, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब जैसे मान लीजिए सपोज ये वाला बैक्टीरियोफेज है जिसके पास है इस बैक्टीरिया का जीनोम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लू कलर स्ट्रिप्स, एक छोटा सा ब्लू कलर का जो डीएनए इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये जाएगा फ्रेश डीएनए, फ्रेश बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, अपना डीएनए इसके अंदर सेंड करेगा यहाँ पे। अब ये जो डीएनए है ये डायरेक्टली रेप्लिकेट नहीं करेगा आउटसाइड ऑफ दिस न्यूक्लियर, जो इसका न्यूक्लियोइड है। सो इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड विद दिस बैक्टीरियल जीनोम, सो वी कैन सी हेयर, सो इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल जीनोम, और बैक्टीरिया के जीनोम के साथ ही ये रेप्लिकेट करता है। सो इसकी इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ एक डोनर जो बैक्टीरियल सेल है उसकी तरह इसकी प्रॉपर्टीज कुछ आ जाती हैं। सो इट विल अल्टर इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। In generalized transduction, a segment of DNA is carried from one bacterial cell to another by a bacterial virus called a bacteriophage or phage. The phage attaches to the bacterial cell and injects its nucleic acid into the host cell. A phage enzyme is produced that breaks down the host DNA into smaller fragments. Phage DNA is replicated and phage coat proteins are produced. During formation of the mature phage particles, a few phage heads may surround fragments of bacterial DNA instead of phage DNA. The phage particle carrying the bacterial DNA infects another cell, transferring the bacterial DNA to the new cell.
When the bacterial DNA is introduced into the new host cell, it can become integrated into the bacterial chromosome, thereby transferring genes to the recipient. This cell then multiplies and carries new genetic material. So the next is restricted or specialized transduction, jaisa ki naam se pata chal raha hai. It means ki koi particular jo piece hai DNA ka, bacterial cell ke DNA ka, wo hi transfer hoga through the agency of this bacteriophage. So that's why this is called specialized transduction. Transfer few restricted genes from donor bacteria. Kuch ek restricted particular genes ko hi transfer karta hai. And it is carried out by temperate bacteriophage. Temperate bacteriophage होते हैं वो bacteriophage जो lysogenic cycle show करते हैं, means इसका जो virus का DNA है that gets incorporated with bacterial DNA और वैसे ही replicate करता है host के DNA के साथ. Then virus incorporate in its genome with host cell. Virus अपना genome host cell के अंदर भेज देता है. At certain location, किसी एक particular location पे, for example this one, सबसे पहला step है virus का जो DNA, it will enter inside the bacterial cell. After its entry, ये अब virus का जो DNA है, it gets incorporated with this bacterial genome. We can see here this patch. So it remains dormant and pass generation to generation. ये dormant रहता है और replication इसकी इसी के साथ होती रहती है. So it forms number of copies for many generations. So इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया के जीनोम है उसके साथ वायरस का जीनोम भी रेप्लिकेट होता रहता है कई जनरेशंस तक. बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, जब कोई इसमें कोई भी स्टिमुलेंट्स, एनवायरमेंटल स्टिमुलेंट जब इसको स्टिमुलेट करता है इस इंटीग्रेटेड जीनोम को जिसमें कि वायरस और बैक्टीरिया का जीनोम दोनों का है, सो इट विल फॉलो लिटिक टाइप ऑफ साइकिल. सो इट विल फॉलो लिटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल मीन्स कि इसके जो होस्ट का जो DNA है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये बनाते हैं बैक्टीरियोफेज का फुल फ्लेज पार्टिकल. उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज है वो रिलीज हो जाएगा जिसके पास दोनों कंपोनेंट्स हैं, मीन्स बैक्टीरिया का DNA भी है और वायरस का DNA भी है. अब ये जो बैक्टीरियोफेज है दे विल इन्फेक्ट द फ्रेश DNA और हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ दिस DNA from one donor bacterial cell to the recipient bacterial cell. So these are two types of transduction processes in bacteria. Specialized transduction involves the transfer of only a few specific genes from one bacterial cell to another by means of a phage. The lambda phage, which infects E. coli, is a well-studied example of a specialized transducing phage. When lambda phage infects E. coli, the phage DNA enters the cell and then integrates into a specific site on the host chromosome. When an E. coli culture carrying the lambda phage is induced, phage particles are produced. On rare occasions, a piece of bacterial DNA, for example the Gal gene, near the specific site of insertion remains attached to the phage DNA and a piece of phage DNA is left behind. The phage that develop are defective because they do not carry the entire phage genome but can still infect other cells. The defective phage can attach to another bacterial cell and the DNA can be injected. Both phage and bacterial DNA now become integrated into the new host chromosome. Only bacterial genes located near the site of integration of the phage DNA can be transduced, hence the term specialized transduction. The next comes is significance. Significance क्या है इसके? पहला significance है कि ये transfer करता है genetic material को एक cell से दूसरे cell में, जिससे कि genetic properties change हो जाती हैं, alter हो जाती हैं recipient bacteria की. इसके अलावा it helps in study the evolutionary relationships between prophage and host bacterial cell. ये host के bacterial cell की study करने में help करता है और जो prophage है उसकी स्टडी करने में हेल्प करता है. देन इट आल्सो हेल्प्स इन स्टडिंग द जीन लिंकेज, हाउ जीन्स आर लिंक्ड इन डीएनए, सो उसकी स्टडी करने में भी ये हेल्प करता है. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसडक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसडक्शन. देन नेक्स्ट वी हैव मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में,
ये डिफरेंट तरह का है. देर आर सम बैक्टीरियाज जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं लाइक प्लांट्स, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक. एंड देर इज़ अदर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया जो कि डिपेंडेंट होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या फिर किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे. सो दे आर कॉमनली नॉन एज हीटरोट्रॉफ्स. सो लेट्स डिस्कस दिस. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज अ फ्लो चार्ट विच शोज दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. सो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मीन्स दे सिंथिसाइज देयर ऑन फूड. हीटरोट्रॉफिक, दे कैन नॉट सिंथिसाइज देयर ऑन फूड. देन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच लिव्स इन एसोसिएशन विद सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं. वन आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, अदर आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज. कीमोसिंथेटिक मीन्स दे यूज सर्टेन केमिकल्स, केमिकल सब्सटेंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड. फोटोसिंथेटिक लाइक देयर ऑफ हायर प्लांट्स, दे हैव सम पिगमेंट्स विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. देन हीटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है दो तरह के होंगे, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक. पैरासिटिक मीन्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर शेल्टर, फूड एंड प्रोटेक्शन. वाइल सेप्रोफिटिक, सेप्रोज मीन्स रॉटन. सो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये ग्रो करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मीन्स दीज बैक्टीरिया यूज सर्टेन केमिकल्स. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच ड्राइव एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. जो केमिकल सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है उसको यूज करते हैं अपना फूड बनाने में. सो फर्स्ट कैटेगरी इज सल्फर बैक्टीरिया. जो सल्फर बैक्टीरिया हैं वो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके. इसमें हमारे पास एग्जांपल है बैगियाटोआ एंड थायोबेसिलस थायोऑक्सीडेंस. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सल्फर बैक्टीरिया. देन वी हैव आयरन बैक्टीरिया, नाम से पता चल रहा है दे विल ऑक्सीडाइज फेरस कंपाउंड्स, आयरन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, उससे अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फेरोबेसिलस एंड गैलियोनेला. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन बैक्टीरिया. सो दे विल यूज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर ऑब्टेनिंग देयर एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. एंड इस एग्जाम्पल्स आर नोकार्डिया एंड स्यूडोमोनास. वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज मिथेन बैक्टीरिया. दे यूज मिथेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड. दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम मिथेन. सो एग्जाम्पल इज मिथेनोमोनास. Next we have important category of bacteria, nitrifying bacteria. They use oxidation of nitrogen compounds for the synthesis of their food. For example, nitrosomonas and nitrobacter, these are two bacteria which are used in nitrogen fixation, atmospheric nitrogen fixation. Next category is photosynthetic bacteria. So ye jo bacteria hain, they use solar light for the synthesis of their food. So, it contains green photosynthetic pigments. जो बैक्टीरिया हैं दे हैव सम पिगमेंट्स लाइक क्लोरोबियम क्लोरोफिल और ब्लूइश ग्रीन क्लोरोफिल विच इज़ नॉन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल. सो दीज आर सम स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया. दे आर मोस्टली एनारोब्स, मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. एंड इलेक्ट्रॉन डोनर जो है इस केस में देयर इज हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड इज द electron donor in case of this photosynthetic bacterias, while in case of plants we use water as electron donor. So this is the table which shows different categories of these bacterias, autotrophic bacterias. We have purple sulfur bacteria, purple non-sulfur bacteria, these are the examples. And we have green sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria. So this is the classification of sulfur bacterias, and they all are autotrophs and anoxygenic bacteria. Means they do not require oxygen for their respiration. Next important category is symbiotic bacteria. So they live in association with other living organism, and both the organism, both bacteria and that other living organism, both of them are gets benefited. दोनों को इसमें फायदा होता है. Some genera that lives in association are, इसमें जो most frequently commonly हम पढ़ते हैं वो है राइजोबियम, जो कि एसोसिएशन में रहता है
रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, जो रूट नोड्यूल्स है लेग्यूम्स के उनके साथ एसोसिएशन में रहता है, सो दिस इज राइजोबियम. देन वी हैव ब्रेडी राइजोबियम. ये जो ब्रेडी राइजोबियम है इट शोज एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ ग्लाइसिन मैक्स, जो कि सोयाबीन है, सोयाबीन की रूट्स में होता है. देन वी हैव एजो राइजोबियम इन द रूट्स विद द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ सम लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस जो भी हमारी पल्सीज हैं उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, सो ये दो वो नोड्यूल्स बनाए जो बनते हैं, दे आर फाउंड बाय दीज सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज. नेक्स्ट, म्यूचुअल शेयरिंग बेनिफिट. बैक्टीरियाज फिक्स एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स. सो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट्स के लिए, जिससे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिले, और इन रिटर्न दे विल गेट शेल्टर एंड दे यूज़ द मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट एज देयर फूड. सो प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स को यूज़ करते हैं एज अ फूड, और इसके अलावा इनको मिलता है वापस फूड और शेल्टर फ्रॉम द प्लांट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.